सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा न मिस कर पाए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि भीम यूपीआई एप्लीकेशन से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे को कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यह तभी सीख पाएंगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यदि लास्ट तक नहीं देखेंगे ना, तो फिर आप यही बोलेंगे। चल खैर छोड़िए, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले भीम यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में यहाँ सेंड के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अकाउंट प्लस आईएफएससी का जो ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर अपने बैंक को जो है सर्च कर लेना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने बैंक को जो है सर्च कर लेते हैं। जिस भी बैंक में भाई, जिसके बैंक में ट्रांसफर करना, उसकी बैंक को सर्च करेंगे ना। तो चलिए सर्च करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ आईएफएससी कोड जो है एंटर कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है जिससे आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ बेनिफिशियरी नेम में आप जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पर नेम एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद में अपने जिसके भी बैंक अकाउंट में हमें इसको पैसे को ट्रांसफर करना, उसका हम यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में फिर यहाँ कंफर्म अकाउंट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में फिर से वही अकाउंट नंबर हम फिर से यहाँ पर कंफर्म कर देंगे ना। फिर से एंटर करके कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में टिक का ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अब हमें यहाँ पर अपने अमाउंट को, जितना अमाउंट हम ट्रांसफर करने वाले हैं, उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिख देंगे, टाइप कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर उस अमाउंट को लिख देते हैं। लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ रिमार्क्स के ऑप्शन पर हम अपना नेम भी एंटर कर सकते हैं, या तो हम इसको खुल वैसे ही रहने देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देते हैं। नेम एंटर करने के बाद में तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर अपना नेम एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो भाई कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में फिर से हमें अपने डिटेल्स को सही सही चेक कर लेना पड़ेगा कि हमने अपनी डिटेल्स को सही सही फिलअप किया है कि नहीं किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपनी डिटेल्स को सही सही चेकअप कर लीजिएगा कि फिलअप किया है सही कि नहीं किया है। फिर उसके बाद में सेंड के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में हमें अपना यहाँ पर पिन जो है एंटर कर देना पड़ेगा। पिन एंटर करने के बाद में अब हमें क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा जिसके अकाउंट में हम ट्रांसफर करना चाहते थे। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, हमारा पैसा जो है ट्रांसफर हो गया। यहाँ मनी सेंड का जो है ऑप्शन भी आ रहा है और हमारे अकाउंट से डेबिटेड भी हो गया है, कट गया मैसेज आ गया। तो यार मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना।